So, स्वागत है आपका इस वीडियो में. सो कुछ भी शुरू करने से पहले विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली काफी काफी बहुत सारी अच्छी जाए, बहुत अच्छी जाए, मतलब सबसे अच्छी दिवाली जाए, मतलब साल की एंडिंग एकदम जबरदस्त हो जाए. सो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक से. तो आज का टॉपिक है रामायण में जो कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स से हम क्या समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में परमानेंट अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं मेन कैरेक्टर्स कंसीडर करूंगा, जैसे कि चार ब्रदर्स जो मेन भाई थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी, और बजरंगबली हमारे द ओरिजिनल बॉडी बिल्डर, और हमारी सीता माता, और हमारे विलियन जी, रावण जी. सो इनमें से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये वीडियो मैं अपने बेसिस पे नहीं बता रहा, क्योंकि रामायण एक स्क्रिप्चर है. स्क्रिप्चर डायरेक्टली कोई भी अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता है. मैं वही बात करूंगा जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है. समझ में आ रहा है? जो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है. ये मेरे तरफ से, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि मेरे तरफ से या मेरा व्यू क्या है. स्क्रिप्चर्स में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो आइए शुरू करते हैं श्री राम जी से, जो है हमारे भगवान राम जी. सो राम इस वर्ड का मतलब क्या है? सो राम का मतलब है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर. राम जी का मतलब क्या है? रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, यानी कि प्लेजर्स का एक ओशन, यानी कि खुशी. बेसिकली रिजर्वायर ऑफ प्लेजर मतलब क्या? बहुत सारी खुशी. तो राम जी हमें रामायण में क्या सिखाते हैं, क्या हम सीख सकते हैं? सो देखिए, राम जी की वाइफ किडनैप हो गई रावण से, ठीक है. अगर हम एट प्रेजेंट कोई पिक्चर का हीरो कंसीडर करें, ठीक है, जिसकी वाइफ किडनैप हो जाए, तो वो काम कैसे करेगा? गुस्से में आएगा, बंदूक निकालेगा, छुरी लेकर चलेगा. समझ में आ रहा है? पर श्री राम जी ने कैसे किया काम? एकदम पेशेंस से. किससे किया? एकदम और एकदम पेशेंस से. पर पेशेंस आता कहां से है? पेशेंस तभी आएगा जब आपके दिल में होगी ह्यूमिलिटी. अब ह्यूमिलिटी मतलब क्या? ह्यूमिलिटी मतलब एकदम हम्बल होना. क्या होना? एकदम हम्बल होना. सो राम जी से हम सीख सकते हैं हम्बल कैसे होना है, ठीक है. अभी लक्ष्मण जी, अभी लक्ष्मण नाम का मतलब क्या? लक्ष्मण नाम का मतलब वेल्थी. क्या है मतलब? वेल्थी. सो वेल्थी किस चीज में? पैसों में नहीं. तो लक्ष्मण जी किस में वेल्थी थे? लक्ष्मण जी वेल्थी थे भक्ति करने में श्री राम जी की. अच्छा, ठीक है. पर हम सीख क्या सकते हैं? हम क्या सीख सकते हैं? देखो, जहां भक्ति है वहां सर्विस है ही है. अच्छा, तो लक्ष्मण जी ने कौन सी सर्विस की? तो देखिए, अयोध्या में ये चार भाई थे हमारे, ठीक है. वनवास किसका हुआ? 14 साल वनवास किया श्री राम जी ने. लक्ष्मण जी का कुछ काम वहां पर था ही नहीं, मतलब वो चाहते महल में रह सकते थे. समझ में आ रहा है आपको? बट लक्ष्मण जी ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें देनी थी सर्विस. तो लक्ष्मण जी से हम क्या सीख सकते हैं? सर्विस. समझ में आ रहा है? और जब भी हम सर्विस करते हैं तभी ही हमें हैप्पीनेस मिलेगी. यानी कि एक कोट है कि अगर आप हैप्पीनेस ढूंढने जाओ तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा एंजाइटी. अगर आपको सर्विस ढूंढनी है, अगर आप सर्विस कर रहे हो तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस. तो ये कोट है हिज ग्रेस गौरांगा प्रभु का. सो अब हम आते हैं थर्ड ब्रदर पे, जिनका नाम है भरत महाराज. रामायण में हम सबसे ज्यादा फोकस राम जी पे करते हैं, बट भरत महाराज एक्चुअली एक हिडन हीरो हैं. अब कैसे हिडन हीरो हैं? सो भरत महाराज के ऊपर इल्जाम लगा कि वो रीजन है राम जी को वनवास भेजने के लिए, जबकि भरत महाराज को कुछ ऐसा पता नहीं था. ये किसी और ने रूमर फैलाया था सारी अयोध्या में, पर फिर भी भरत महाराज को गिल्ट, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा लोगों द्वारा, महाराजों द्वारा और राजाओं द्वारा. सो ऐसे 7 मोमेंट है जहां पर भरत महाराज ने एकदम वर्स्ट लेवल का ह्यूमिलेशन और गिल्ट फेस किया, जबकि उनकी कुछ गलती भी नहीं थी. तो अब यहाँ पर अगर कोई और हो तो वो तो इजीली ब्रेक हो चुका होता. सो भरत, इस वर्ड का नाम क्या है? टू बियर. टू बियर मतलब झेलना, यानी कि भरत महाराज ने कितना लोड अपने ऊपर झेला. इवन उनके फादर, जिन्होंने कहा था मरते वक्त भी भरत की शक्ल देखने को नहीं मिले, उनके फादर एक्सपायर हो गए और भरत उन्हें बता नहीं पाया कि मेरी कुछ गलती नहीं थी. इससे ज्यादा लोड कोई क्या झेल सकता है? समझ में आ रहा है?
सो भरत महाराज की लाइफ से हमें क्या समझ में आता है कि लोड हमें भी झेलना है, छोटे छोटे लोड झेलने पर ब्रेक नहीं होना है, हमें भी भरत बनना है। भरत मतलब क्या? टू बियर, अपने पे वजन लेना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये था भरतला, मतलब भरत महाराज के लाइफ से एक लेसन। चौथा लेसन आता है शत्रुघ्न। ठीक है, यहाँ पर चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान कौन है? श्री राम। ठीक है, लक्ष्मण जी श्री राम को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। शत्रुघ्न हमेशा भरत महाराज के साथ है, तो समझ में आ रहा है आपको। भरत महाराज को भगवान नहीं माना जाता था उस टाइम पे, तो शत्रुघ्न उन्हें सर्विस दे रहा है। वो चाहे तो श्री राम जी को भी दे सकता है, पर शत्रुघ्न, इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब है जिसने अपने ईगो पे कंट्रोल पा लिया। शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन? ईगो, उस पे कंट्रोल पा लिया। सो इसीलिए शत्रुघ्न ने अपने ईगो पे कंट्रोल पाया, तभी ही वो भरत महाराज को सर्विस दे पा रहा है। भले ही पूरी अयोध्या भरत महाराज को कोसे जा रही थी कि तुम गलत हो, तुम रीजन हो, तुम्हारी लालच के वजह से राम जी वनवास में जंगल गए हैं, फिर भी शत्रुघ्न जी ने लोग क्या कहेंगे ये अप्लाई किया ही नहीं अपने लाइफ पे, समझ में आ रहा है। सो वो सर्विस देते गए। सो इस तरीके से चार भाई तो हमारे पूरे हो गए। अब आते हैं बजरंग बली पे, अखंड ब्रह्मचारी, समझ में आ रहा है। बजरंग बली मतलब, बजरंग बली कैसे कहें, बजरंग बली की जब भी हम बात करते हैं हम बस बॉडी जिम्स में जाते हैं, स्टैचूज बजरंग बली के है, बजरंग बली बॉडी बन जाए, मतलब बॉडी हम बनाते हैं किसी और के लिए कि देखेंगे तो अच्छे लगेंगे, जबकि बजरंग बली खुद एक ब्रह्मचारी थे, उनका कुछ ऐसा काम था ही नहीं, समझ में आ रहा है। आजकल बजरंग बली का यूज कैसे कर रहे हैं बॉडी बिल्डर ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि बजरंग बली खुद एक ब्रह्मचारी थे। ठीक है, सो बजरंग बली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बजरंग बली रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस यानी कि सर्विस देना बट रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं। यानी कि सारी अयोध्या, सारी रामायण में बजरंग बली हेल्प करते गए, लास्ट में जब बजरंग बली ने, राम जी ने वरदान मांगा कि भाई बोलो क्या चाहिए, तो बजरंग बली ने कहा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में उन्होंने कहा, और श्री राम जी का कोट फेमस है इंग्लिश में कि आई हैव नो वर्ड्स टू रीपे यूर लव, आई हैव नथिंग टू रीपे यूर लव, आई कैन ओनली गिव यू माई सेल्फ, समझ में आ रहा है। कितना डीप कोट है ये अगर आप ध्यान से देखें तो। बजरंग बली रिप्रेजेंट करते हैं सेल्फलेस सर्विस को, जो कि आज जरूरत है। अगर आज कोई हमें थैंक यू नहीं बोलता है तो भी हमें काफी सा हर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से आते हैं हम लास्ट कैरेक्टर, हमारी सीता माता। सीता माता को कहा जाता है वेदमा। वेदमा मतलब मदर ऑफ ऑल लिटरेचर्स। क्यों? क्योंकि उनके जैसा प्योर कोई है ही नहीं, एकदम प्योरिटी। सीता माँ से जैसा कोई प्योर है ही नहीं, इसीलिए उसे माता जी को कहा जाता है वेदमा, मदर ऑफ ऑल लिटरेचर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 6 कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपने अगर एक कैरेक्टर का एक भी चीज दिल पे ले ली तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आशा करता हूँ आपका साल जितना भी बचा है अच्छा जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।